तो कभी सोचा है कि अगर थानोस हमारा दूसरी बार भी जीत गया होता तो क्या होता, या दुनिया से भाई डेथ का कॉन्सेप्ट ही मिट जाए तो क्या होगा, या मेरा फेवरेट एक ऐसा एमसीयू जिसे गैलेक्टस से पहले ज़ॉम्बीज का सामना करना पड़ जाए। भाई मार्वल मल्टीवर्स में ऐसे इनफिनिट यूनिवर्सेस हैं जिनके आगे एमसीयू हमारा लिटरली पैराडाइज फील होगा। ये इतने डार्क और कभी कभी हाईली डिस्टर्बिंग होते हैं कि सुबह के उस सपने की तरह फील होंगे जिससे तुम झट से जाग जाना चाहोगे, वरना गए। और मल्टीवर्स आगे हमारा फुल स्पीड में आगे तो बढ़ ही रहा है, तो क्या पता आगे इनमें से कुछ यूनिवर्सेस दिख भी जाएं। सो आज हम सर ऐसे टॉप 10 डार्केस्ट यूनिवर्सेस की बात करेंगे। अपना वीजा पासपोर्ट आधार कार्ड जो है पकड़ लो, चलते हैं। नंबर 10, अर्थ एक्स। तो अर्थ एक्स यानी अर्थ 9997 वैसे तो बड़ी शांति प्रिय जगह थी। यहाँ सब्जी का भाव कम था, बच्चे 4 बजे क्रिकेट खेलने जाते थे, यहाँ तक कि इनकी सोनी अपना स्पाइडरमैन भी दिखा चुकी थी। बस एक ही चीज हर यूनिवर्स जैसी थी और वो था इंसानों का म्यूटेंट्स और इनह्यूमंस के प्रति वो हेट। सो इंसानों के इस नफरत से फेड अप होके इस यूनिवर्स के ब्लैक बोल्ट ने टेरिजन मिस्ट, लाइक बेसिकली एक ऐसा गैस जो कि कांटेक्ट में आने से नॉर्मल ह्यूमंस को भी सुपर बींग्स बना दे, उसका एक पूरा बॉम्ब अर्थ के एटमॉस्फेयर में फोड़ दिया, जिससे धरती का भाई एंटायर ह्यूमन पॉपुलेशन म्यूटेट हो गया। मतलब यहां के हर एक चिंटू पिंटू के पास सुपर पावर्स आ चुकी थी, हर एक इंसान के पास, जो कि सुनने में मे भी कूल लग रहा होगा बट नहीं, सबकी वाट लग गई, सड़कों पे दंगे होने लग गए, अर्थ के रिसोर्सेज पे एक मैसिव हिट पड़ा, लिटरली भाई जो भी चाहे कर रहा था। ग्लोबल लेवल पे फूड शॉर्टेज चालू हो गई, गवर्नमेंट्स गिरने लगी, यहाँ तक कि इस केओस का फायदा उठा के नॉर्मन ऑस्बॉर्न तो भाई प्रेसिडेंट ही बन गया। बट ना इतना थोड़ी है, सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो पड़ा कि इस टेरिजन गैस से ह्यूमंस हमारे सुपर विंग्स तो बने ही, उनकी एजिंग रेट भी बदल गई, बट भैया जी इसके साइड इफेक्ट से उनके रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी भी गई। इनफैक्ट इससे म्यूटेंट्स भी नहीं बचे, लाखों म्यूटेंट्स पे इफेक्ट पड़ा, कुछ के तो पावर्स ही बदल गए, कुछ और भी पावरफुल बन गए और कुछ तो पनौती किस्मत पावरलेस ही हो गए। बट यहीं पे सर हमारे अगले यूनिवर्स के जो गार्डियंस थे उन्होंने अपने यूनिवर्स को मुट्ठी में कर रखा था, ट्राई तो किया था एटलीस्ट। मैं बात कर रहा हूँ अर्थ 712 यानी स्क्वाड्रन सुप्रीम के यूनिवर्स की। लाइक अनलाइक देखो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्स, इस यूनिवर्स के मेन लाइन ऑफ डिफेंस हमारे अवेंजर्स नहीं बल्कि स्क्वाड्रन सुप्रीम थे, जिन्हें तुम काइंड ऑफ हमारे जस्टिस लीग का एक अल्टरनेट वर्जन मान सकते हो, बट मानना मत, बिकॉज इनके पावर्स देखो तो डिट्टो उनके जैसे ही थे, बट ये मोर लाइक एंटी हीरोज थे जिन्हें एक ही वाणी आती थी, आइदर माई वे और हाई वे। ये टोटली हमारे 7 मेंबर्स हैं। हाइपरियन ऑब्वियसली टीम का सुपरमैन, नाइट हॉक टीम का बैटमैन, पावर प्रिंसेस इनकी वंडर वुमन, डॉक्टर स्पेक्ट्रम समवट इनका ग्रीन लैंटर्न, विजर टीम का स्पीडस्टर और फाइनली एम्फीबियन इनका एक्वामैन। ये वैसे तो अपने आप को हर लॉ और रूल से ऊपर मानते थे बट इनके कुछ उसूल भी थे, जैसे अपने सिस्टम में करप्शन देखने के बाद इन्होंने अपने पूरे वर्ल्ड गवर्नमेंट पे टेक ओवर कर लिया था, नाइट हॉक को प्रेसिडेंट बना के दुनिया के भाई सारे सोशल प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, वॉर, क्राइम, पॉल्यूशन, इवन डेथ को भी एलिमिनेट करने के लिए इन्होंने अपने यहाँ यूटोपिया प्रोग्राम नाम का भी एक लॉ इम्प्लीमेंट किया, लोगों को काम दिया, सेफ्टी दी, एक डिवाइस से तो उनकी उम्र भी बढ़ा दी, बट इन सारे सेवाओं का बस एक ही कॉस्ट था, उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स। मतलब ये भाई वो जबरदस्ती वाला हेल्प था कि चुपचाप देखो हेल्प ले लो वरना कुछ लेने लायक नहीं बचोगे। सो बेसिकली पंटर लोग एक पैराडाइज बनाने की जगह अनजाने में अपने धरती को एक टायरेनिकल वर्ल्ड ही बना के छोड़ दिया। मस्त काम करते हो भाई, लगे रहो। नंबर 8, अर्थ 295। शुरुआत तो इसकी देखो अर्थ 616 से ही हुई थी, बट हुआ क्या था कि हमारे प्रोफेसर एक्स के सुपुत्र लीजियन, इफ यू डोंट नो तो थोपड़ा देख के छपरी मत समझना, एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है ये, थोपड़ा देख के लगता नहीं बट है, लाइक मैटर मैनिपुलेशन से लेकर रियलिटी मैनिपुलेशन जो चाहो सब कर सकता है, ऊपर आंख मार के आ जाओ समझ जाओगे। सो इसने देखो पेड़ के नीचे बैठ के एक बार सोचा कि मेरे पिताजी तो भाई नाखून तक जान लगा रहे हैं इंसानों के साथ संबंध अच्छे रखने के लिए, बट ये मैग्नेटो का बच्चा ही असली फसल का जड़ है जिसके लिए म्यूटेंट्स और इंसान एक साथ नहीं आ पा रहे। सो इस बुद्धिमान लड़के ने भाई किया कि सीधा भाई पास्ट में ही चला गया मैग्नेटो को शुरू से ही साफ कर देने के लिए। बट जब ये हमारे एरिक को मारने जा ही रहे थे तो किस्मत देखो वहाँ पे चार्ल्स भी मौजूद थे, तो चार्ल्स ने एरिक को बचाते हुए खुद पे ही अटैक ले लिया, बेटे ने पास्ट में जाके बाप को ही उड़ा दिया, जिससे ऑब्वियसली ये लीजियन तो भाई वैनिश हो ही गया, बट इसी पॉइंट से एक और न्यू टाइमलाइन भी बन गया अर्थ 295। और इस टाइमलाइन में एक ऐसा अनॉर्मली कॉज हुआ जिससे अपोक्लिप्स जो कि उस टाइम तक सो रहा था वो अपने टाइम से पहले ही जाग गया। और सर फिर क्या, इसने रातों रात एक ऑल आउट वॉर ही डिक्लेयर कर दिया पूरे ह्यूमन काइंड के अगेंस्ट, एंटायर नॉर्थ अमेरिका पे टेक ओवर कर
लिया, मिलियंस ऑफ लोगों को सिंपली साफ कर दिया जस्ट बिकॉज वो उन्हें वीक मानता था, और एंड में अपने सारे ल्यूटनेंट्स के बीच एक फ्री फॉर ऑल वॉर ही घोषित कर दिया दुनिया के अलग अलग हिस्सों को उनमें बांटने के लिए। एब्सोल्यूट मैडनेस। बट यहीं पे हमारा अगला यूनिवर्स चाहे इतना केओटिक नहीं है बट इससे भाई हजार गुना ज्यादा डिप्रेसिंग है, एटलीस्ट ब्रूस बैनर के लिए तो था। लाइक अर्थ 2081 में एक न्यूक्लियर होलोकास्ट के बाद लिटरली भाई पूरी ह्यूमैनिटी मिट चुकी थी, कोई नहीं बचा था सिर्फ एक बंदे को छोड़कर, और वो था ब्रूस बैनर। मतलब एंटायर अर्थ में सिर्फ यही है, और ये अगर तुम्हें लक लग रहा है तो घंटा नहीं, लक नहीं, ये लक से ज्यादा कर्स था। बिकॉज ये बेचारा सालों तक भाई उन खंडरों में भटकता रहा सभी की मेमोरीज और अपने सारे रिग्रेट्स को साथ लेके। इवन जब वो इन सब से छुटकारा पाके सब कुछ खत्म करने का ट्राई भी करता तो हल्क भाई उसे करने ही नहीं देता अपने रीजेनरेटिव फैक्टर के लिए, बिकॉज ये ब्रूस जहां जाना चाहता था तो वहीं पे हल्क जीना चाहता था। सो लिटरली सालों तक इसी टॉर्मेंट में जीने के बाद एक दिन फाइनली दोनों को ही वही मिल गया जो इन्हें चाहिए था। एक दिन ब्रूस जब सो रहा था उसे एक हार्ट अटैक आया और हल्क कंट्रोल लेने ही वाला था कि ब्रूस ने हल्क से कहा कि भाई मुझे जाने दे, मैं खुशी से जा रहा हूँ और तुझे तो वैसे ही अकेले रहना था, तो अब से बैनर नहीं सिर्फ हल्क ही होगा। और अगले सुबह जब इसकी आंख खुली तो बैनर का कॉन्शियसनेस कम्प्लीटली जा चुका था और जो बचा था सिर्फ हल्क। पर यही पे सर नंबर 6 यानी अर्थ 10011 का यूनिवर्स इससे टोटली ऑपोजिट था, बिकॉज यहाँ के देखो लोगों की जाने की जगह सीधा डेथ का कॉन्सेप्ट ही मिट चुका था। मतलब हर एक इंसान हर बीइंग इस यूनिवर्स का इमॉर्टल था। बट इसका डार्क साइड तो सुनो, एक अगर तुमको पता हो तो कैप्टन मार्वेल का एक कैनन इवेंट है कि हर यूनिवर्स में कैंसर से ही गुजरते हैं, बट यहाँ पे हमारे अर्थ 10011 के कैप्टन मार्वेल को ये मंजूर नहीं था। तो कैंसर से बचने के लिए इसने अपने सोल को ही एक एंशियंट गॉड को भेज दिया जिसने इसे एक तरीका या बोलूं तो नेक्रोप्सी नाम का एक रिचुअल बताया जिससे मार्वेल भाई ने कैंसर किया अपने पूरे यूनिवर्स में डेथ को ही पूरी तरह से खत्म एलिमिनेट कर दिया। और ऑब्वियसली जब इतने बड़े स्केल का इम्पैक्ट हो तो भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि इसका कोई प्राइज ना हो, बिकॉज भैया जी हमारे अमर तो हो गए बट रिचुअल के डार्क एनर्जी से पहले ये करप्ट हुआ, फिर एक एक करके पूरी दुनिया ही करप्ट हो गई। इनके अवेंजर्स बनकर रिवेंजर्स और एक्समैन बन गए एक्समैन, मतलब एक्स, जिससे ये भाई सारे मतलब सही में सारे एक डेमोनिक कॉस्मिक एंटिटी मेनी एंजल वंस के हेरल्ड्स बन गए। वो जो कहता था ये वही करते थे। और ऑब्वियसली जब डेथ का भाई कॉन्सेप्ट ही ना रहे तो पॉपुलेशन तो बढ़ती ही जाएगी। तो इवेंचुअली जब ये पूरी तरह से ओवरक्राउडेड हो गए तो ये दूसरे यूनिवर्सेस पे भी अटैक करना चालू कर दिए। नंबर 5 पे आता है द परफेक्ट वर्ल्ड यानी अर्थ 11638। और ये अपने नाम से देखो परफेक्ट जरूर है, ऊपर से भी है बट अंदर से नहीं। देखिए दिखने में तो देखो ये धरती पूरी एक यूटोपिया थी बट सब कुछ ऊट पटांग था और राज के भी राज थे। लाइक यहाँ के पीटर पार्कर कोई लो, लाइक इस यूनिवर्स के अंकल बेन कभी उड़े ही नहीं, तो यहाँ का पीटर एक सुपर हीरो के साथ साथ एक मशहूर साइंटिस्ट भी बन गया, इवन खुद की कंपनी भी खोल ली पार्कर टेक्नोलॉजीज। बट जैसे कि मैंने कहा ये ऊपर से परफेक्ट थे अंदर से नहीं, क्योंकि अच्छे कामों के आड़ में ये पार्कर और अंकल बेन की तिगड़ी मिलके दूसरे यूनिवर्स से भाई स्पाइडरमैन लोगों को उठाते थे और उनके पावर्स भाई अब्सॉर्ब कर लिया करते थे खुद और भी पावरफुल बनने के लिए। और ये तो कुछ भी नहीं है, इस यूनिवर्स का डॉक्टर डूम भी वेड विल्सन था और डेडपूल विक्टर वॉन डूम। यहाँ का सॉस तो सर सॉर्सरर सुप्रीम स्ट्रेंज बाबू नहीं बल्कि ब्रूस बैनर थे, जिसने वेन मैजिक को यूज करके हल्क से भी कब का पीछा छुड़ा लिया था। मतलब सिंपली बताऊं तो ये 616 यूनिवर्स का दूर के पड़ोस के मामी के लड़के का भांजा था, बहुत अजीब था। फिर नंबर 4 पे आता है अर्थ 58613 का मशहूर यूनिवर्स जिसको तुम अगर पहचान नहीं रहे तो तुम जानते हो बस याद नहीं है। लाइक इस टाइमलाइन के बीच तो देखो हमारे 616 में ही बो दिए गए थे बट वो बीज आगे जाके जो पेड़ बना पूरा मार्वल यूनिवर्स भूला नहीं है। लाइक इसकी शुरुआत होती है हमारे स्कारलेट विच से, ये तब की बात है जब दीदी अपने बच्चों को खोने के बाद गम में ऐसे ऑलरेडी डूब चुकी थी। इवन अवेंजर्स को भी उसके रियलिटी मैनिपुलेशन पावर्स का आइडिया मिलना चालू हो गया था। तो इसी बीच एक दिन भाई क्विक सिल्वर ने आके वांडा को कह दिया कि बहनिया देखो तुम्हारे पास जो बिहारी को एक सिल्वर हो गया कि बहन तुम्हारे पास जो रियलिटी ऑल्टरिंग की पावर्स है उससे तुम एक ऐसी दुनिया बना दो जहाँ तुम्हारे बच्चे भी हो और सारे लोगों की ख्वाहिश सच्चाई बन चुकी हो। तो सर अब क्या, ये दीदी अपने भाई के बातों में बह गई और वैसे ही एक दुनिया बना दी जहाँ स्पाइडरमैन ग्वेन स्टेसी के साथ तो साइक्लॉप्स हमारे एम्मा फ्रॉस्ट के साथ शादी कर चुके थे, स्ट्रेंज बाबू हमारे मैजिक के तो नहीं बल्कि साइकोलॉजिस्ट के डॉक्टर थे, वुल्वरीन तो शील्ड का इंचार्ज था। लाइक ओवरऑल देखो एक ऐसी दुनिया जहाँ ज्यादातर इंसानों
दोनों के बदले सुपर बींग्स पावर में थे, बट सच्चाई के नारियल को कितने दिन छुपाओगे चंदू बटोस के। तो इवेंचुअली हमारे वुल्वरीन फिर ल्यूक केज ऐसे ऐसे करके पूरे गांव वालों को सच्चाई का पता चल गया, बट आधी उन्हें लग रहा था कि मैग्नेटो ही उसके पीछे है। तो ये लोग अपने पूरे पल्टन को लेके म्यूटेंट आइलैंड गेनोसा निकल गए वहां बैटल रॉयल करने के लिए। बट इवेंचुअली 4-5 लात खाने के बाद जब मैग्नेटो को भी पता चल गया कि उसी के ही बेटी ने ऐसा किया है और वो भी उसी के बेटे के कहने पे, तो भाई साहब फट गए और क्विक सिल्वर को ही जाके तुरंत उड़ा दिया। जिसके बाद जब स्कारलेट विच आई तो उसने भाई गुस्से में सिर्फ 3 वर्ड्स बोले, नो मोर म्यूटेंट्स, और दुनिया के 90% म्यूटेंट्स की पावर चली गई। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां पांडा भालू जितने ही म्यूटेंट्स थे। द नंबर 3 का यूनिवर्स है, वैसे तो अननंबर्ड है, बट इसे थानोस का ही यूनिवर्स मान लो, बिकॉज इन हियर ही विंस। लाइक इस यूनिवर्स का थानोस देखो लेडी डेथ के पीछे इतना पागल था ना, इससे बड़ा सिंप देखा नहीं हो। इतना कि भाई उसे खुश करने के लिए इसने अवेंजर्स क्या, धरती क्या, पूरे एंटायर गैलेक्सी में सबको साफ कर दिया था। सेलेस्टियल से लेके लिविंग ट्रिब्यूनल गैलेक्टस कोई नहीं टिक पाए। प्लॉट आर्मर हो तो ऐसा, वरना हो ही क्यों। यहाँ तक कि साहब जी हमारे इतने बड़े हरामी थे कि हल को इसने पेट बना रखा था, जिसे गेस करो किसकी हड्डियां देता था, अवेंजर्स की। बट स्टिल एंड में सबको उड़ाने के बाद भी जब लेडी डेथ ने इसे घास नहीं डाला तो इसने अपने आप को ही समर्पण करने का ठान लिया, और वो भी इसे दूध में हल्दी मिला के वाइब्रेनियम डाल के पी के नहीं। इसने कॉस्मिक घोस्ट राइडर जो कि इसका हेरल्ड ही था, उसे टाइम स्टोन दे के पास्ट में ही भेज दिया एक यंग थानोस को लाने के लिए, जो कि उसे मारे और एक तरह से ये अपने ही हाथों से रसमलाई खाए। इतना को उड़ाने के बाद खुद किसी एरे गेरे से तो नहीं उड़ेगा। तो यंग थानोस आए किंग से मिले, बट सच्चाई जानने के बाद कि ये बुढ़ाओ ये लेडी डेथ के लिए सब कुछ कर रहा है, तो उसने सीधा से 4 खींच के चपेट लगाए और कहा, बहुत हो गया, मैं आगे जाके दूध वाला बन जाऊंगा, लेकिन तेरे जैसे सिम तो भाई घंटा नहीं बनूंगा। और ऐसे पूरा इंसल्ट करके वो वापस पास्ट में लौट गया। दिस ऑब्वियसली हमारे किंग थानोस का पूरा एग्जिस्टेंस हमेशा के लिए इरेज हो गया। प्यार तो घंटा नहीं मिला, ऊपर से खुद को भी खो बैठे। फिर नंबर 2 पे हमारे आते हैं अर्थ 2149। लाइक वैसे तो देखो दूसरे यूनिवर्स के मुकाबले ये दुनिया अच्छी खासी चल रही थी, सब कुशल मंगल था, पर टकले वॉचर ने कहा ऐसे कैसे। लाइक एक दिन इनके यूनिवर्स में एक इन्फेक्टेड रियलिटी से एक इन्फेक्टेड सेंट्री आया, जिसने एक एक करके भाई पूरे दुनिया को ही इन्फेक्ट कर दिया। वो सेंट्री था, बट ये कोई ऐसा नॉर्मल ज़ॉम्बी एपोकलिप्स घंटा नहीं था, बिकॉज जो नॉर्मल इंसान थे वो तो सीधे साधे ज़ॉम्बीज बने ही, बट जो सुपर हीरोज थे तो वो जब ज़ॉम्बीज बने ना कि ओनली वो स्टिल अपने पावर्स को कंट्रोल कर सकते थे, बट साधारण ज़ॉम्बीज के मुकाबले इनकी भूख 10 गुना ज्यादा थी। सो ऑब्वियसली पूरी दुनिया तो भाई 2-3 दिन में इन्फेक्ट हो गई, बट कुछ ही सालों में अपने धरती को पूरी तरह से साफ करने के बाद एक आलू तक नहीं बचा था। जब सिल्वर सर्फर आए इनके प्लैनेट में गैलेक्टस के आने का अनाउंस करने, तो इन्होंने उसे स्टार्टर की तरह डकार लिया, जिससे कुछ ज़ॉम्बीज पे उसकी पावर्स भी आ गई। और फाइनली जब गैलेक्टस भी आया तो इनका भाई पूरा हॉर्ड उस पे झपट पड़ा, एक तिनका तक नहीं छोड़ा उसका, पूरा खा गए, जिससे सारे ज़ॉम्बीज के अंदर अब समझ गए होंगे अब एनॉर्मस कॉस्मिक पावर्स आ गई थी। और इसी को यूज करके ये पहले बाजू के प्लैनेट से फिर पूरा गैलेक्सी और ऐसे कर करके पूरे यूनिवर्स को ही खा गए। बस एक ज़ॉम्बी ने पूरे यूनिवर्स को मिटा दिया। देन फाइनली हमारे नंबर 1 पे आता है अर्थ 1610, यानी अल्टीमेट फ्रिकिंग यूनिवर्स। लाइक 616 और 1610 देखो उन दो भाई की तरह है, जो कि जुड़वा तो है लेकिन मुंडी से पांव तक टोटली अलग दिखता है। इनफैक्ट मार्वल के तो इसे बनाने का ही मेन रीजन था, ताकि वो यहाँ पे एब्सोल्युटली बॉन्कर्स जा सके। कोई रूल कंटिन्यूटी कुछ नहीं। लाइक अल्टीमेट यूनिवर्स में तुम्हें हर हीरोज के थोड़े डार्क और मॉडर्नाइज्ड वर्जंस देखने मिलेंगे। जैसे यंग थानोस कोई बैंगर नहीं दिखता, बल्कि ये तो भाई सिल्वर और गोल्ड है। इनका हल्क ग्रे है, वुल्वरीन का तो पूछो मत, एक नंबर का हरामी है। यहाँ के रीड तो भाई पूरे ब्रह्मांड में द मेकर के नाम से मशहूर है। इवन लास्टली यहाँ के क्विक सिल्वर और स्कारलेट विच हमारे गेम ऑफ थ्रोन्स के सर्सी और जेमी लैनिस्टर जैसे ही है। समझ गए तो तुम्हारे लिए ताली। और माइल्स को तो भूल ही नहीं सकते, वो भी यहाँ का ही है। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, यहाँ के हीरोज के देखो ओरिजिन्स काइंड ऑफ अलग होता है। यहाँ अगर कोई ऐसे लुढ़क जाता है तो परमानेंटली भाई वापस आना, रिजरेक्ट होना, ये सब यहाँ नहीं चलता। जैसे यहाँ का ग्रीन गॉब्लिन एक्चुअली में सक्सीड हो गया था पीटर को मारने में, तो यहाँ के हल्क ने भी बहुत अच्छा काम किया, वुल्वरीन को धोती की तरह फाड़ दिया था। ये तो कुछ भी नहीं है। क्विक सिल्वर और स्कारलेट विच के जाने के बाद मैग्नेटो ने इसके गुस्से में थोर का मियोनीर चुरा के अपने आपको पूरी तरह से चार्ज्ड अप करके एंटायर धरती का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा घुमाया कि एक जायंट सुनामी से भाई न्यूयॉर्क सिटी साफ हो गया, जिसमें हजार या लाख नहीं मिलियंस लोग, हीरोज विलियंस सारे वाइप आउट हो गए। एंड ऑफ कोर्स इसे कैसे भूल सकते हैं, सीक्रेट वॉर्स में भी आखिरी इनकर्सन इसी यूनिवर्स से ही हुआ था। सो बस छुट्टो सी यही आशा है कि कुछ दिखे ना दिखे, बस आगे जाके ऐसे 2-3 यूनिवर्सेस दिख जाए, मजा आ जाएगा। तो हाँ गाइस, आज के लिए मल्टीवर्स इतना ही घूमते हैं, और वीडियो तुमको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक मार दो।
मैं फोकट में मल्टीवर्स घुमा के ले आया, तुम लाइक नहीं मार सकते। और ऐसे ही घूम घूम के रापचिकदार कंटेंट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं तुमसे मिलूंगा एक और टाइमलाइन में। सो गाइस, तब तक बाय और टेक केयर।